चंबा विधानसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति की हर समस्या का समाधान तुरंत हो, इस बात को पक्का करने के लिए चंबा सदर विधायक पवन नैयर द्वारा पहल करते हुए एक नई सोच नई पहल के नाम पर एक योजना को शुरू किया गया है। इस बारे जानकारी देते हुए भाजपा मंडल महामंत्री संजीव सूरी ने कहा कि विधायक पवन नैयर की सोच है कि चंबा विधानसभा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को उनके बूथ, गांव, मोहल्ला या पंचायत में कोई भी समस्या हो उसका तुरंत निपटारा किया जाए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भाजपा मंडल महामंत्री संजीव सूरी ने कहा कि 2 दिन पूर्व यह सुविधा लोगों के लिए आरंभ की गई है। अब तक करीब 60 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से करीब 20 शिकायतों का निवारण भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही संबंधित विभाग के साथ तुरंत संपर्क किया जाता है ताकि जल्द से जल्द समस्या का निवारण हो सके। सूरी ने कहा कि विधायक पवन नैयर की अगुवाई में समूचे विधानसभा क्षेत्र का एक समान विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और प्रत्येक गांव तक सड़कें पहुंचाई जा रही हैं। चंबा शहर व आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वहीं इस दौरान भाजपा मंडल महामंत्री संजीव सूरी ने विधायक पवन नैयर और जिला भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। मैं संजीव सूरी, भाजपा मंडल चंबा का महामंत्री, आज आपके समक्ष कुछ भाजपा के पिछले 3 साल के किए कार्यों के विषय में बात करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। सबसे पहले जो है, मैं भाजपा मंडल चंबा की ओर से और माननीय विधायक पवन नैयर की ओर से जो है अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि जो है हमारे कांग्रेस के दिग्गज लीडर और 6 बार रहे मुख्यमंत्री माननीय वीरभद्र सिंह, जिनका देहांत पिछले 2 दिन पहले शिमला में हुआ था, उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि जो है सभी की ओर से प्रदान करता हूँ। और प्रभु से हमारा यही निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के कि जो है इनको, इनके परिवार को दुख सहने की जो है वो शक्ति दे और इनको अपने चरणों में स्थान दे। ये हिमाचल के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के ऐसे लीडर थे जिनका जाने का दुख जो है वो सभी को है। तो हमारे सभी की ओर से हमारी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से हिमाचल में भाजपा की सरकार बनी है और चंबा का प्रतिनिधित्व जो है वो हमारे माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी कर रहे हैं, तो जब से उन्होंने अपना पदभार संभाला है तब से चंबा के विकास में जो है एक, आप बोल सकते हैं, एक बदलाव सा आ गया है और विकास की झड़ी जो है वो चंबा विधानसभा क्षेत्र में लग गई है। चाहे वो सड़कों का विकास हो, चाहे वो लोगों को मुफ्त गैस प्रोवाइड कराना हो या लोगों को आवास प्रोवाइड कराना हो, इन सब में जो है माननीय विधायक पवन नैयर जी ने अपने निजी जो है इंटरेस्ट लेके जो है लोगों का और पंचायतों का और अपने विधानसभा क्षेत्र का जो है वो विकास करवाया है। हमें जो है सरकार को काम करते हुए 3 से 3.5 साल हो गए हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से जो है 1.5 साल थोड़ा सा जो है विकास कार्य जो है हिमाचल में स्लो हो गया था, ना हिमाचल में ना बल्कि देश में भी स्लो हो गया था। लेकिन फिर भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के प्रतिनिधित्व में चंबा विधानसभा क्षेत्र में तरक्की में जो हमने इसमें जो समय निकाला है और जो विधायक जी ने जो है तरक्की करवाई है उसमें सभी ने मिलकर जो है कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी है। अभी भी जो है माननीय विधायक पिछले 8 दिनों से शिमला में है, लेकिन वो एक एक व्यक्ति के बारे में, अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में, पंचायत के बारे में चिंतित रहते हैं। और अभी हाल ही में पिछले 2 दिन पहले जो है उन्होंने एक नई सोच के साथ एक नई हेल्पलाइन नंबर जो है और हेल्पलाइन सेवा जो है वो शुरू की है। और उसमें उसके पीछे उनकी सोच ये है कि कई बार जो है एक व्यक्ति जो है वो मेरे तक डायरेक्ट पहुंच नहीं पाता है या उसकी समस्या जो है मेरे तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि मैं शिमला में बैठा हूं या किसी कारणवश मेरा फ़ोन नहीं लगता है या आउट ऑफ रीच होता है या मैं उठा नहीं पाता हूं, तो वो अपनी समस्या एक बार बताने के बाद जो है वो झिझक सी महसूस करता है। तो उनकी सोच थी कि उनकी सब मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक छोटे से छोटे व्यक्ति की, छोटे से छोटे कार्यकर्ता की, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, उसकी समस्या जो है मेरे तक पहुँचनी चाहिए और उस समस्या का हल जो है बहुत जल्द से जल्द करने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। तो इसलिए उन्होंने हेल्पलाइन सेवा जो है वो शुरू की है। तो पिछले 2 दिन में उन्होंने जो है ये हेल्पलाइन सेवा जो है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो है हाईलाइट की है
और आपको ये जान के खुशी होगी कि लगभग जो है 50 से ज़्यादा जो है समस्याएं हमारे तक जो है कल शाम तक आज पहुंची थी, जिसमें 10 से ज़्यादा समस्याएं जो है 24 घंटों में उसका हल जो है वो कर दिया गया है और हम उसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। कई लोगों ने धन्यवाद भी किया है कि हमारी समस्या का समाधान ना केवल 24 घंटों में बल्कि 5 घंटों में और 10 घंटों में कर दिया है। तो मेरे लोगों से निवेदन ये है कि आप अपनी समस्याएं भेजिए, लेकिन वो समस्या जो कि हमारे से निदान जो है 24 घंटों में हो सकता है, हम हर समस्या के ऊपर जो है 24 घंटों के ऊपर वर्क करेंगे, काम करेंगे। लेकिन किसी ने सड़क मांगी है, किसी ने डंगा मांगा है, किसी ने ब्रेस्ट वॉल मांगी है, किसी ने एम्बुलेंस रोड मांगा है, किसी ने ट्रांसफर के लिए निवेदन किया है, तो वो समस्या सॉल्व करने में हमें हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन फिर भी आपको उसका आंसर जो है वो 24 घंटे के बीच में दिया जाएगा कि इसका हल कैसे हो सकता है। कुछ छोटी मोटी समस्याएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की जीविकाओं के लिए, जैसे पानी की समस्या और इसके अलावा जो है बिजली की समस्या, तो हम जो है वो समस्या जो है डायरेक्ट जो है एक्सीन लेवल से लेके और फिटर लेवल तक जो है हमारे चंबा मंडल को माननीय विधायक ने पूरी अथॉरिटी दी है कि आप डायरेक्ट जो वो समस्या जो है सॉल्व कर दीजिए, और अगर जो सॉल्व नहीं होती है, जिसका हल नहीं निकलता है, वो मेरे तक पहुंचाइए। तो वो समस्याएं जो है हम 24 घंटे के बीच में सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पाइपलाइन पड़नी है, कहीं टैंक रिपेयर होने हैं, या जो है उसमें जो है रिपेयर का ज़्यादा काम है, तो वो जो है 24 घंटे में उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें दिक्कत आ सकती है। तो लोगों से निवेदन यही है कि पेशेंस रखिए, अपनी समस्या को हमारे तक पहुंचाइए, और उस समस्या का जो है रिटर्न प्रूफ हमारे पास होगा कि आपने कब वो समस्या दी है, और जो सॉल्व हो सकती है वो जल्द से जल्द सॉल्व की जाएगी, और जिसका सॉल्यूशन जो है कुछ समय लगेगा तो उसके लिए हमें समय दीजिए। माननीय विधायक के नॉलेज में ये सारी समस्याएं आ रही हैं और ये समस्याओं का समाधान किया जाएगा। माननीय विधायक जो है 12-13 तारीख को जो है ये चंबा पहुंचेंगे, और आप जान के ये हैरान होंगे कि वो एक मिनट के लिए भी जो है रेस्ट ना लेके जो अपना टूर प्रोग्राम जो है बना देते हैं। तो भाजपा मंडल चंबा ने अगले 14 से लेके 16 तक उनका टूर प्रोग्राम जो बनाया है, जिसमें 14 तारीख को हमारे चंबा मंडल की बैठक जो है सुबह 10:30 बजे होगी, जो कुकरेजा पैलेस में रखी गई है, और उसमें मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जो है माननीय पवनी के द्वारा संबोधित किया जाएगा और उनको गाइडलाइंस दी जाएंगी। इसके अलावा 15 तारीख को जो है माननीय विधायक का लग्गा पेटी भाड़ा में टूर रखा गया है, जहां पे लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी स्पोर्ट पे, और जो सॉल्व हो सकती हैं वो वहीं पे सॉल्व की जाएगी, और जिनका निदान कुछ समय के बाद निकलेगा उसके लिए भी कार्य किया जाएगा। 16 तारीख को जो है माननीय विधायक बढ़िया कोठी के दौरे में रहेंगे, और उस दौरे में जो है कुछ नई स्कीमों का शिलान्यास करेंगे, जिसमें 2 से 3 शिलान्यास हैं जो कि हम कल तक जो है सभी के समक्ष रख देंगे कौन कौन से शिलान्यास हैं। तो इस तरह से माननीय विधायक हमारे जो हैं वो दिन रात जो है लोगों के विकास के लिए, अपनी पंचायत के विकास के लिए, विधानसभा के विकास के लिए दौड़े हुए हैं। आप खुद देख लीजिए, पिछले 3-3.5 वर्षों में 50 से ज़्यादा सड़कों के काम लगे हुए हैं, और उन्हीं सड़कों के काम लगे हुए हैं जिन सड़कों का पैसा पूरा का पूरा आ गया है, और जिनके शिलान्यास माननीय विधायक ने यही सोच के किए हैं कि मेरे टेन्योर में, अभी इस टेन्योर में ही जो है उन सड़कों का उद्घाटन भी मैं कर पाऊँ, तो उन्होंने उस सड़कों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसी कोई सड़क जो है अभी तक किसी क्षेत्र की जनता को नहीं दी है जो सिर्फ एक शगुफा हो, या ये बोलने के लिए हो कि हमने सड़क का उद्घाटन कर दिया और जानबूझ के पट्टिका लगा दिया है। तो माननीय विधायक की सोच ये है, जो काम मैंने शुरू किया है वो मैं पूर्ण भी करूँ और लोगों को वो जो है दे भी पाऊँ। आप अपने चंबा शहर में देख लीजिए, पार्किंग का काम हो, ब्यूटिफिकेशन का काम हो, या चंबा में ट्रैफिक समस्या हो, ट्रैफिक रेड़ी फड़ी वालों की वजह से ट्रैफिक समस्या हो, उसके लिए भी जो है वो कार्य माननीय विधायक ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सहयोग से वो करवाया है। और इतने कार्य जो है हमें भी आज जो हमारी उम्र भी 43 साल के करीब हो गई है, हमने जो है पिछले कांग्रेस की सरकार में या आज से 5 साल पहले नहीं देखे हैं। तो लोगों को थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है, लोग जो हैं वो सरकार को वक्त दें, लोग विधायक को वक्त दें, विधायक कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोगों से जो है मेरा निवेदन यही है कि आप पिछले 35 साल का कार्य और अभी 3.5 साल का कार्य जो है देखें, अगर अभी कोरोना नहीं आता तो और समस्याएं जो हैं वो समाधान होनी थी, और कार्य जो है तरक्की के जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में होने थे। तो विधायक की ओर से कोई कमी नहीं है, लोग जो हैं सिर्फ पेशेंस रखिए, उनके काम किए जाएंगे, उनके काम किए जा रहे हैं, और उनके काम का जो है फीडबैक उनको दिया जा रहा है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है।
आप अपने कार्य का जो है वो रिकॉर्ड जो है वो हमारे ऑफिस से ले सकते हैं, हमारे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल नंबर सबसे ऊपर दिया हुआ है और मुझे बहुत सी समस्याएं जो हैं वो मेरे नंबर पे आ भी रही हैं और हम उसके सोल्यूशन भी कर रहे हैं। भाजपा मंडल चंबा जो है विधानसभा क्षेत्र चंबा की तरक्की के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाला है। आने वाले समय में जो है बूथ स्तर पे बैठ के शुरू की जा रही है, जिसमें भाजपा मंडल जो है दिन रात कार्य करेगा और ये सारे दिशा निर्देश जो है हमें जो है दिए जा रहे हैं वो पवन नैयर जी द्वारा, माननीय विधायक द्वारा दिए जा रहे हैं और उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो रात को 10 बजे भी हमें फ़ोन करके हिदायत देते हैं और हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है उनके साथ खड़ा है, जो हम जो है चंबा की तरक्की के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। 15-20 दिन पहले माननीय विधायक ने जो है मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था, आपकी नॉलेज में भी होगा, और वहाँ पे एक समस्या आई थी कि लोगों की समस्याएं जो है मेडिकल कॉलेज में सुनी नहीं जाती है और अगर हम किसी को फ़ोन करते हैं तो वो अटेंड नहीं करते हैं। तो उसी समय माननीय विधायक ने 4 हेल्पलाइन नंबर जो है मेडिकल कॉलेज के लिए जो वो जारी किए थे और उस पर कार्य भी किया जा रहा है और मेडिकल कॉलेज की डायरेक्ट समस्या जो है वो वहाँ तक पहुँच रही है और वो नंबर अब बहुत जल्द ही आपके जो मेडिकल कॉलेज में लिखे भी जाएंगे। इसी के साथ जो मैंने हेल्पलाइन की अभी बात की है वो मेडिकल कॉलेज को छोड़ के बाकी समस्याओं के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी जनरल समस्या के लिए माननीय विधायक ने जो है 3 नंबर जारी किए, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो मेरा भाजपा मंडल महामंत्री संजीव सूरी का नंबर है, व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम भेजी जाती है। दूसरा जो है वो कार्यालय प्रभारी जो है संजीव संजू है उसका नंबर दिया गया है और तीसरा जो है किशन कुमार PSO का नंबर दिया गया है। ये 3 नंबर देने का मतलब ये है कई बार किसी का नंबर स्विच ऑफ होता है, कई बार किसी से बात नहीं हो पाती है, कई बार किसी को नंबर प्रॉब्लम भेजी जाती है उसका सोल्यूशन नहीं होता है। तो 3 नंबर इसलिए दिए गए कि आप किसी 3 में से किसी भी नंबर को आप जो है नंबर मैसेज भेज सकते हो। अगर आपकी समस्या वहाँ सॉल्व नहीं होती तो आप दूसरे नंबर में भी मैसेज जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब आप खुद देखिए जो मेडिकल कॉलेज चंबा का कार्य जो है लगा हुआ है सरोल में वो कितनी तेजी से लगा हुआ है और माननीय विधायक खुद आके जो है पर्सनली वो कॉलेज में जाके देखते हैं, ठेकेदार से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो कार्य कर रहे हैं उनसे बात करते हैं और बहुत जल्दी जो है वो मेडिकल कॉलेज का कार्य जो वो समाप्त होगा। और दूसरा जो है मेडिकल कॉलेज में आज से बहुत समय पहले एक समस्या थी सिटी स्कैन और MRI मशीन की, तो आपको जान के खुशी होगी कि मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर के प्रयास से हमारे जो हैं ये MRI की मशीन भी और सिटी स्कैन की मशीन भी जो है उसके टेंडर हो गए हैं और जापान की कंपनी ने जो है हामी भरी है और जो है जहाँ पे लगने हैं यहाँ चंबा में, चंबा सिटी में लगेंगे। जो मेडिकल कॉलेज में ये मशीनें लगेगी वो अलग हैं, लेकिन जो चंबा सिटी का जो हॉस्पिटल है जो अभी मेडिकल कॉलेज का कार्य कर रहा है इसमें ये दोनों मशीनें लगने के लिए जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की सारी हिदायतें हो गई है और इंजीनियर जो है वो आके देख भी गए हैं और मेरे ख्याल से 3-4 महीने में जो है ये दोनों मशीनें जो है हमारी लग जाएंगी। और साथ ही आपने देखा होगा कि इतनी जल्दी जो है ऑक्सीजन प्लांट अनाउंस हुआ और वो ऑक्सीजन प्लांट आज कार्यरत भी है और दूसरा ऑक्सीजन प्लांट हमारा डलहौजी में भी बहुत जल्दी लगने वाला है। तो ये सब भाजपा सरकार की देन है और जयराम ठाकुर जी की देन है और माननीय विधायक जो दिन रात दौड़े हुए हैं उनकी सोच है कि चंबा के लोगों को कोई कमी ना हो। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।